भाई लोग आ गया है आपका दोस्त भाई फिर से आ गया एक बार। तो मेरा नाम है नाम छोड़ो यार, नाम क्या करोगे, नाम को इनसाइड रहने देते हैं। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल इंटरेस्टिंग मी में। आगे एक और बार फिर से मैं एक नया ब्लॉग लेके। तो भाई अपन इस बार जा रहे हैं डायना रिवर, जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बोला था इस बार भी जाऊँगा डायना रिवर। तो निकल पड़े अपन लोग डायना रिवर के लिए। ये अपना घर है और सॉरी गेट बंद करना भूल गया, अपना पिटाई बड़ी होती है। तो अपन चलते हैं डायना रिवर की ओर और अपन अभी यहाँ से जाएंगे, बस पकड़ेंगे क्योंकि यार यहाँ पे बस होती है। तो चलते हैं बस स्टैंड की ओर। तो अपन लोग पहुँच गए बस स्टैंड के पास, अभी रोड क्रॉस कर रहे हैं। ये एक बस आई तो है पर इतनी भीड़ मुझसे नहीं जा जाएगा इस बस पे भाई, ना मैं नहीं जा पाऊँगा इस बस पे भाई। भीड़ तो देखो, बंदा पैर कैसे रखेगा, चढ़ेगा कैसे, ये राम गजब की भीड़ है, गजब की भाई। सबकी बसें आ गई, मेरी बसें कब आएगी, मेरी बस नहीं आ रही। अपने से भगवान दुश्मनी करते हर जगह है, चलो कोई बात नहीं, अपने पता बस आ तो रही है। देखो ये शायद अपनी हो, मिल तो गई है ऐसे रोड़े डालने डायना पे जुता देना, चलो अरे पीछे खाली है। हाँ मेरे को यही उतरना है। कहाँ उतरना है? डायना पे उतरूंगा। डायना बहुत दूर है, बैठो ना पीछे जाओ भाई, पीछे जाओ, पीछे जाओ, सीट पे बैठो, बहुत दूर है डायना, दूर दूर के कि मतलब भूल भुलैया में ले जाइए। डायना थोड़ा आगे है, तुमको भाई वहाँ जाना पड़ेगा। तो भाई मैं तो कंफ्यूज हो गया भाई, मेरे को कहाँ छोड़ दिया, मैं कहाँ जाऊँगा आगे डायना। तो भाई फिर मैंने फ़ोन घुमा के पूछा तो यहाँ सामने कोई दादी बैठी हुई थी, तो उन्होंने कहा भैया थोड़ा आगे जाओगे तो आपको डायना भी मिलेगा और मेरे को यहाँ से दिख भी रहा है। तो काश मैं आपको अगर दिखा पाता, कोई नहीं मैं आपको ट्राई करता हूँ बैक व्यू दिखा, तो वहाँ से शायद आपको दिख जाए। तो बैक व्यू भाई, इस बार भी मैंने ये शूज़ पहने पर मेरे को इस बार मतलब कि पेन नहीं कर रहा है, रिलैक्स है काफ़ी, क्योंकि मैंने इसके ना कुछ जॉइंट्स खोल चुका हूँ तो उसके वजह से मुझे ये जूते मुझे परेशान नहीं कर रहे। तो काफ़ी अच्छा, पहनने में भी ठीक है, तो पेन उन गया। पर ये डायना नहीं आ रहा, डायना का पेन मुझे दुख रहा है, कब आएगा यार, अभी तक तब से वेट कर रहा हूँ, देखते हैं कैसा है। काश अच्छा हो भाई, मूड अच्छा रहे मेरा, बस यही है। पता नहीं क्या ना अपन लोग ना मतलब कि जब मैं बस में चढ़ा, फर्स्ट टाइम में ना कुछ दो मतलब लड़कियां थी,
तो मेरे को बार बार देख पता नहीं घस क्यों रही थी, मुझे ये नहीं समझ आया। आप बताओ भाई, आप क्यों हंस रही थी मुझे देख के? भाई मैं तो ये सारा सा मैं मुझे देख के ना दोनों ना तो दोनों देख के मुझे मतलब स्माइल कर रही हैं या हंस रही हैं मुझ पर यार, मुझे देख के स्माइल दे रही है, मुझे ये नहीं समझ आया। पर जो भी था ठीक था, कहते हैं ना मंजिल से ज़्यादा सफ़र का मज़ा है, तो बस वही मंजिल का सफ़र। मंजिल तो पास पास बोल के पता नहीं कहाँ ले गए हैं, मंजिल आई नहीं अभी तक मेरे को। बस वो ट्रेन का जो वो ब्रिज होता है ना, वो लोहे का खंडर जैसा बनाता है वो दिख रहा है मेरे को, पर वो ये रोड वाला ब्रिज कहाँ है ये नहीं पता चल रहा मेरे को। थोड़ा आगे करके पता नहीं कितना आगे ले आए ये लोग भाई मेरे को। कहीं गुम हो गए ना तो भाई, गुम हो गया तो फिर क्या कर सकते हैं, गुम हो गया तो गुम हो गया, पता नहीं कब आएगा भाई। था भाई इधर साइड देखिए, बर्फ कितना घना जंगल है ना अंदर, रिस्की है। कहते हैं कि यहाँ शेर टाइगर वगैरह होते हैं, कहते हैं, मैंने तो देखे नहीं है भाई, और ना ही मैं मान पसे, जब आंखों से देखूंगा तब मान लूंगा। ऐसे मस्त लगता है अंदर से, देखो जाना चाहिए ना। यहाँ सर को दिख रहा है पूरा पूरा क्लियर दिख रहा है, पर ये ट्रेन का ब्रिज है और मेरे को जाना है ये रोड वाले ब्रिज पे। तो ये यहाँ सीधा कितना लंबा रास्ता है, चलो क्या कर सकते हैं, चल सकते हैं और क्या कर सकते हैं ना ब्रिज। तो अपन लोग वो यार मतलब देख रहे हो काफ़ी मज़ेदार चीज़ है, और ये लोग कह रहे थे पानी नहीं है, माशाल्लाह माँ यहाँ नहीं नहाया तो वेस्ट है। ओहो एक बार भाई नज़र, ओ शिट काफ़ी अच्छा ब्रिज है यार, इतना भी बुरा नहीं है, नाइस। ये इसमें नहाना तो बनता है, मतलब भाई मैंने इमेजिन भी नहीं किया था कि इतना अच्छा ब्रिज होगा, मतलब काफ़ी अच्छा यार। आर यू रेडी भाई? मैं तो जरूर नहाऊंगा, कोई नहाए ना नहाए वो मेरे को फर्क नहीं। ओ मैं तो भाई नहाने जा रहा हूँ, अब देख रहा हूँ नीचे जाने का रास्ता कहाँ से है, यहाँ पहुँच गए नीचे कैसे जाना है। मतलब रास्ता वैसे वे यही था, यहाँ से आके क्रॉस हो जाता है, मैं बुढ़बक सोच रहा था कि ऊपर से जाना है। चलो कोई बात नहीं, रास्ता मिल गया ना, यही बात है। अरे फिर से दो रास्ते, एक मिनट ओ सॉरी मैं फिर गलत रास्ते में जा रहा था, हमको यहाँ से यहाँ जाना है। आई एम सो कंफ्यूज यार, चलो आके कर देर से सही, पर रास्ता तो मिल गया। वाह मेरे से रहा नहीं जा रहा, गर्मी मेरे को वैसे लगी पड़ी है और मैं उसमें ज़रूर जा रहा हूँ एक बार डूबने के लिए। बट यार ओ शिट 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 शिट, मैं अपना स्टैंड लाना भूल चुका हूँ, मैं वीडियो कैसे बनाऊँगा। ओ शिट सबसे बड़ी मिस्टेक कर दी मैंने तो यार, वीडियो बनाना मुश्किल हो जाएगा। और ये क्योंकि सेल्फी स्टिक से मेरा उतना वर्कआउट नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं पानी में गया तो इसका कुछ भरोसा नहीं कब गिर सकता है। पर देखते हैं, कोई ना कोई तुम्हारा भाई यहाँ बैठा है, कोई ना कोई जुगाड़ लगा के वीडियो जरूर बनाएगा, तो तुम टेंशन मत लो। ओ भाई मस्त बस मस्त, अभी दिखाता तेरे को। बैठ आ गए अपने लोग, जैसे मुंबई के बीच पर बीच का मुकाबला तो नहीं है, पर ठीक है काफ़ी अच्छा है, बीच का मुकाबला नहीं कर पाएगा। सो लेट्स गो, अपन लोग तो जाने वाले पानी में। वाह गोरा ब्रिज वहाँ से हमने दिखाया था आपको वीडियो शूट। ओह लोग तो यहाँ पिकनिक में आए हुए हैं, क्या मस्त है भाई व्यू, देख रहे हो व्यू? ओहो मतलब कि
तगड़ा वाला व्यू है, तगड़ा वाला। ये चचा ना आ रहा है। ओह काफ़ी लोग आए हैं, मैं तो उम्मीद नहीं की थी कि इतने लोग आएंगे सच में, बट रियली काफ़ी लोग आए हुए हैं। तू भी आया हुआ है, तू भी आया हुआ है, वाह। अपन लोग यार यहाँ से तो नहीं जा सकते, अपने को ड्रेसअप वगैरह लगता चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे को जान सकते यार अपना कपड़ा गीला हो जाएगा यार। ऑफकोर्स तो पानी में भी जाना है, ऑफकोर्स कपड़ा चेंज करते हैं। पक्का लाइटरा ड्राइविंग मतलब यार बेटा तुम से ना हो पाएगा। अरे यार इतना पानी नहीं आ रहा है, बस लो। अबे यार ये का गया, ए ओए ओ हाथ निकल गया, ओ हाथ निकल गया। ओ मम्मी बचा लेना। तो भाइयों यार यहाँ तो मतलब काफ़ी यार मज़ा आ रहा पूरा। यार आप देख सकते हो यार मतलब कितना गहरा पानी है, गहरा पानी नहीं है ये, देख सकते हो। मैं बैठ के दिखा दूँ आपको, वो 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 अगर मैंने छोड़ा तो मैं डूब के चला जाऊँगा वहाँ। और नीचे तो पानी के जैसे बुलबुले उड़ रहे हैं, जैसे मैंने छोड़ा मैं चला जाऊंगा, पता नहीं कितनी दूर जाऊंगा वो मेरे को भी नहीं पता। वो पैरों में तो पत्थर, मतलब यार ऐसे पत्थर ऐसे बज रहे हैं ना फिलहाल। अभी तो मैं यार एंजॉय करने वाला हूँ, तो मिलता हूँ थोड़ी देर बाद में। तो भाई यार काफ़ी अच्छा एक्साइटिंग, बढ़िया मज़ेदार है ये पूल। अगर मेरे को तो यार काफ़ी मज़ा आ रहा है, आए हो आपको भी ये देख के काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। तो यार सच्ची बोलूँ काफ़ी मज़ा आया, ये बिना कोई पहली चीज़ मेरे को पसंद आई अपनी। वो पानी का बहाव है ना, भाई मज़ा आ गया। यार क्या बोल रहे रिपब्लिक, मस्त यार, मस्त जगह, मस्त मज़ा आ गया। मतलब कि मेरे को तो खूब मज़ा आया यार, क्या बताऊँ ना। मतलब कि अभी तक कि मेरे को जहाँ भी मैं घूमा ना अभी तक ये चीज़ ठीक है। अभी बिना गोड़ी में जब से आया ना तब से मतलब परेशान था, कहाँ रहूँ कहाँ नहीं, यार काफ़ी अच्छा था, ठीक था, मज़ा आया इंजॉयमेंट थी। तो बस फिर आपका भाई ऐसे ऐसे वीडियो लाता रहता है और ब्लॉग लाएगा। और अब भी क्या है, अपन लोग को ना जाना भी है, जाना भी जल्दी। वो आपको पीछे ना, वो आपको पीछे ब्रिज दिख रहा होगा, मेरे पीछे वो ब्रिज दिख रहा होगा। तो अभी बस वहीं से अपने को ऐसे ऐसे हाथ हिला के अपने को बस रुकवानी पड़ेगी और वापस जाना पड़ेगा घर। चलो
करते हैं। काफ़ी टाइम हो गया मेरे को, मैं आया था एटलीस्ट यहाँ पे 2-2.5 बजे आया था, अब 3 बज चुके हैं, ब्लॉग ख़त्म करने का टाइम हो चुका है। तो चलता है भाई, अपन लोग चलता है और जल्द मिलेगा अगली वीडियो। कुछ कह नहीं सकते, कुछ भी हो सकती है भाई, तो अपन लोग चलते हैं। बस इतना, और लाइक सब्सक्राइब करना भूलना मत।